बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो हमारी है ऑक्सफोर्ड की प्राइमरी साइंस पर, और आज मैं आपके साथ क्लास फोर की जो साइंस की बुक है वो शेयर कर रही हूँ। हमने अपनी यूनिट नंबर 12 की रीडिंग कंटिन्यू करनी है आज, तो इसलिए चलिए कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक था साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को एक किसी चीज़ की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। इन आउटर स्पेस देर इज़ अ कम्प्लीट साइलेंस। बाहर स्पेस में मुकम्मल तौर पर खामोशी है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू आउटर स्पेस। जो साउंड है वो कभी भी एक स्पेस में नहीं ट्रैवल हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज इट इज़ अ वैक्यूम दैट कंटेन नथिंग टू कैरी साउंड। क्योंकि ये एक वैक्यूम है, और वैक्यूम क्या है, मतलब कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होने में हेल्प आउट करे। नेक्स्ट पेज। द एयर थ्रू विच साउंड ट्रैवल इज कॉल्ड मीडियम। जो हवा है जिसके ज़रिए साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, उसको हम क्या कहते हैं? मीडियम। अ मीडियम कैन बी एनी थिंग, अ लिक्विड सच एज वाटर, अ सॉलिड सच एज वॉल, और अ गैस सच एज एयर। जो मीडियम है वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे लिक्विड में वाटर भी, सॉलिड में दीवार भी, और गैस में हवा भी। साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड। सबसे ज़्यादा साउंड जो तेज़ ट्रैवल करती है वो किस में करती है? सॉलिड में। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन इन लिक्विड, फिर उसके बाद वो लिक्विड में उससे ज़्यादा मतलब फास्ट तेज़ करती है। और सबसे स्लोली जो है वो हवा में, गैसेस में जो है वो ट्रैवलिंग होती है साउंड की। नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन इज व्हाट वी कॉल साउंड दैट हर्ट्स आवर ईयर्स और इज अनप्लेजेंट। वो कह रहे हैं नॉइज पोल्यूशन क्या है। नॉइज पोल्यूशन ये है कि जो हमारे कानों को चीज़ बुरी महसूस हो, या जो चीज़ हमारे कानों को बुरी लगे, सुनने में बहुत ज़्यादा ऊंची हो, उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। एक्सप्लोजिव्स टू लाउड नॉइजेज इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट पीपल हु हैव टू वर्क विद नॉइजी इक्विपमेंट्स और लिव इन नॉइजी नेबरहुड्स आर मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम स्ट्रेस एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम एज वेल एज हेयरिंग लॉस। वो कह रहे हैं कि साइंसदानों ने इस चीज़ पे रिसर्च की नॉइज़ पोल्यूशन पर, और उन्हें पता चला कि जो नॉइज़, जो लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ शोर बहुत ज़्यादा होता है, या फैक्ट्रीज़ में जैसे काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा शोर होता है और बहुत ऊंची आवाज़ होती है, तो उनको ज़्यादा वो लोग ज़्यादातर स्ट्रेस जैसी बीमारी से, या कोई बहुत हेल्थ प्रॉब्लम से, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम में कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम आ गया, जैसे सुनने में, सुनने की सकत में कमज़ोरी हो जाना, उससे सफ़र करते हैं। और इसीलिए ये चीज़ प्रूव्ड है कि लाउड नॉइज़ जो है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दे हैव ऑल्सो फाइंड आउट दैट चिल्ड्रन लर्न बेटर इन क्वाइट इन्वायरमेंट। और उन्होंने इस चीज़ का भी तज्जिया किया कि जो बच्चे हैं वो खामोशी में ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, शोर में नहीं अच्छा पढ़ सकते। अब अगला है इकोज। अ साउंड मेड इन अ लार्ज एम्प्टी रूम प्रोड्यूसेस एन इको। जब हम कमरा बिल्कुल खाली हो, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी चीज़ मौजूद ना हो, तो तब जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना, आप देखते हैं कि जब कमरा खाली है तो आपकी आवाज़ गूंजती है, तो वो जो गूंजना है उसको हम इको कहते हैं। एंड इको इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन साउंड वेव्स बाउंस ऑफ सरफेस। इको कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई चीज़ हमारी साउंड जो है दीवार के साथ टकरा कर वापस आती है, बाउंस बैक होती है। एंड देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, और देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्ट मटीरियल लाइक क्लॉथ्स, कुशंस एक्सेट्रा। द साउंड वेव्स आर एब्जॉर्ब एंड डू नॉट बाउंस बैक। जब कमरे में सामान होता है मौजूद, और कुछ सॉफ्ट चीज़ें जैसे कपड़े हैं, कुशन है, तकिया है, पिलो है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्लैंकेट्स हैं, तो उनमें जो है हमारी साउंड एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाउंस बैक नहीं हो सकती। अ बैट यूजेस इकोस टू टेल वेयर इट इज़ गोइंग। जो चमगादड़ है वो क्या इस्तेमाल करती है? इको की टेक्निक को यूज़ करती है ताकि उसकी आवाज़ बाउंस बैक हो जाए और सबको पता चल जाए कि ये बैट आ रही है। इट मेक्स हाई पिच्ड स्क्वीजिंग साउंड। दिस साउंड बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बैक टू द बैट्स ईयर। जो बैट की यानी चमगादड़ की जो आवाज़ है वो किसी चीज़ सरफेस के साथ टकरा कर उसके कानों में वापस आती है। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 12 जो साउंड है उसकी रीडिंग कंप्लीट शेयर कर दी है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।